ने रोकी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बाइक रैली, झड़प में हुए कई घायल। कोलकाता भाजपा के विजय संकल्प रैली को रोके जाने के कारण पश्चिम बंगाल में कई जिलों में झड़प होने की सूचना है। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रविवार को पुलिस ने बताया कि स्कूल बोर्ड परीक्षाएं जारी रहने के दौरान रैलियों पर प्रतिबंध के कारण रैलियों के लिए अनुमति नहीं होने की वजह से उन्हें मोटरसाइकिल रैली को रोका गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर और आसानसोल, पश्चिम मिदनापुर में शहर ग्वालतोर तथा दक्षिण दिनाजपुर में बारुलघाट में उस समय झड़पें हुई है जब कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली थी। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आसानसोल और ग्वालतोर में लाठीचार्ज किया है, जिनमें दोनों तरफ के कुछ लोग घायल हो गए हैं। पश्चिम मिदनापुर में सूत्रों ने बताया कि घायलों में डीएसपी स्तर का अधिकारी और चार अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। एहतियाती कदम के तौर पर शहर के विभिन्न हिस्सों में 135 लोगों को गिरफ्तार किया है और 59 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना